अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन एट फ्रेश फ्रॉम द ओवन्स। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मेरे DMs पे इसकी रिक्वेस्ट्स हैं व्हाट्सएप पे कि प्लीज़ आप हमें चिकन ड्रमस्टिक्स बनानी बता दें, योर वे योर स्टाइल। सो आई एम गोइंग टू शेयर द चिकन ड्रमस्टिक्स रेसिपी टुडे, माय स्टाइल। आई वोंट से इट्स बेकरी स्टाइल, आई वुड से इट्स बेटर देन बेकरी, वे बेटर देन बेकरी। सो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ली हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 के बराबर ड्रमस्टिक्स। इसमें जो विंग का पोर्शन होता है, जिसमें सिंगल बोन होती है, जिसको हम ड्रमेट भी कहते हैं, वो आपने लेना है। और मैं यहाँ वीडियो को बिल्कुल फास्ट नहीं कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अपने बुचर को दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए कि इस तरह से उसने आपको इसके लॉलीपॉप्स बना के देने हैं। बोन से मीट को वो अलग कर दे और बाकी का काम फिर आपको ख़ुद से करना है। अब आपने क्या करना है कि जिस तरह से ये मीट है, इसको एक तरफ को आपने सारे के सारे को पुल कर लेना है इस तरह से, यानी इसके ट्यूलिप्स बन जाएँ और जो मीट है वो एक ही तरफ को आ जाए बोन के। अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो बोन्स हैं उस पे से हम लोग मीट को एक तरफ को कर लेंगे, पुल कर लेंगे, और बोन्स को इस तरह से पूरा का पूरा हम लोगों ने नीट क्लीन कर लेना। होप यू गॉट इट। ठीक है, ये सारे के सारे जब आपके चिकन के ट्यूलिप्स बन जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लीटर के बराबर पानी, लाइक बोल फुल हो जाए और ये पूरे के पूरे उसमें सोख हो जाए। इसका ये मकसद है कि अभी आप देखें जैसे मीट पिंक है, और बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जब हम ड्रमस्टिक्स बनाते हैं, उनको फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद भी उनमें से जो ब्लड है वो निकल रहा होता है, विच इज़ वेरी अनोइंग एंड यू नो, उससे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। सो ये है ट्रिक कि जब भी आप ड्रमस्टिक्स बनाएं तो आपने उसको पानी और सिरके में डिप करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है विद 1 टेबल स्पून हीप्ड ऑफ सॉल्ट। इससे ये है कि मीट आपका जो है वो सॉल्टेड भी हो जाएगा, फ्लेवरसम भी हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि बोन्स के अंदर से ब्लड जो भी होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा, और इस तरह से आपका क्लीन एंड क्लियर मीट रेडी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं 60 मिनट्स के बाद जब मैंने इसको ड्रेन किया तो ये कुछ इस तरह से वाइटिश हो गया था। अब हम दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे कि जितना भी मीट हमने पुल किया हुआ था नीचे की तरफ, इस तरह से इस सारे को हम लोगों ने बोन से उतार देना है, मतलब टेंडन्स वगैरह जो हैवी मीट है वो हमने बोन्स पे से इस तरह से पुल कर देना है। इस पे मेहनत बहुत होती है लेकिन द एंड रिज़ल्ट इज़ वर्थ इट। सो ये बोन हमने अलग कर ली और ये जो टेंडन्स एंड मीट है इसका, ड्रमेट का, ये हम लोगों ने बिल्कुल से अलग कर दिया। इस तरह से सारा मीट आपने पुल करके एक बोल में डाल देना है और जो बोन्स हैं वो आपने एक साइड पे रख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इस मीट को जो हमने पुल किया है ये अच्छे से आप लोग देख लें, इसी सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, फिर ही आपकी ड्रमस्टिक्स बहुत बेस्ट जूसी एंड मीटी बनेगी। अब उस बोल को आप साइड पर कर दें और आप दूसरी प्रेप्स करेंगे। उसमें आप ये करेंगे कि दो आप लेंगे बड़े साइज़ के जॉइंट किस्म के अनियंस, अगर आपके पास छोटे हैं या मीडियम साइज़ के हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, और इसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्चें, यानी 8 से 10 हरी मिर्चें। इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मोटे मोटे चंक्स करें, प्रोसेसर में डालें, चॉप कर लें, और इस तरह से कुछ आपने इसको निकाल लेना है जब ये प्रोसेस हो जाए। अब ये हमने बोन्स और मीट अलग अलग किया हुआ था, अब हम क्या करेंगे कि ये जो मीट है इसको हम भी प्रोसेस करेंगे, लाइक इसको भी आपने फूड प्रोसेसर में ऐड करना है और मोटा मोटा चंकी चंकी आपने इसको पीस लेना है। थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये काफ़ी टफ टेंडन्स होते हैं तो समटाइम्स जो है ये काफ़ी टाइम लेते हैं, बट आपने इससे घबराना नहीं है, 3-4 दफ़ा विस्क करें और मोटा मोटा चंकी चंकी आप इसको प्रोसेस कर लें। अब हमने एक बोल में, बहुत बड़े मिक्सिंग बोल में, प्याज और मिर्ची का मिक्सचर, 1 kg के बराबर कीमा, लाइक एग्जैक्टली 1 kg के बराबर। मैं आपको पूरी मेजरमेंट्स बता दूंगी कि आप लोगों का जितना ये मिक्सचर है ये, इससे आपकी कितनी ड्रमस्टिक्स तैयार होंगी। और ये जो हमने मोटा मोटा ड्रमेट्स का मीट लेके उसको हमने प्रोसेस किया था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, लाइक प्याज मिर्ची का मिक्सचर, 1 kg सेपरेट कीमा चिकन का, और साथ में वही वाला क्रश किया हुआ मीट जो हमने बोन से उतारा था, और ऑलमोस्ट 3 से 4 अदद आपने लेने हैं हरी प्याज जिसको आपने हाथ से क्रश करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये मशीन में ऐड नहीं किया था, ये मैंने हाथों से काटा, बारीक चॉप किया,
ग्रीन पोर्शन भी और उसके बल्ब्स भी दोनों मैंने चॉप करके ऐड कर दिए। मिर्चें आपने 8 से 10 अच्छे साइज़ की लेनी है ताकि उसमें फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आए। अब ये जो बोन्स हैं इसको मैंने एक अलग से बोल में डाला और इनको मैंने अलग से मैरिनेट किया। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट, थोड़ी सी हॉट सॉस और साथ में सुर्ख मिर्च, यानी सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून और दिस इज़ 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। इन सारी चीज़ों को मैंने बोन्स पे लगा के इनको अलग से मैरिनेट करना है और जो हम लोग ड्रमस्टिक्स का मिक्सचर बनाएंगे उसकी सीजनिंग होगी वो बिल्कुल सेपरेट होगी। बोन्स को मैरिनेट करने का मकसद यह है कि इससे बोन्स में भी फ्लेवर आ जाएगा और वो फिर जैसे एक रॉनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ माई वे, बहुत से और तरीके भी होंगे बट आई मेक इट लाइक दिस एंड आई थिंक दैट्स वाई दिस इज़ डिस्टिंग्विश्ड। अब हमने जिस बोल में मीट का मिक्सचर और अनियंस एंड मिर्ची डाली थी उसमें हम अब सीजनिंग ऐड करेंगे। सीजनिंग के आप सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जाएगा नमक जो कि मैंने लिया था इतने मीट के हिसाब से और इतने मिर्ची और प्याज के हिसाब से 3 टीस्पून, ये आप लोग देख सकते हैं 3 टीस्पून था और जितने मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे दोज वर परफेक्ट। आप लोग चाहें तो एक टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर चिकन पाउडर भर के और 2 टीस्पून के बराबर ये मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्ची, पीसी हुई ना हो तो बेहतर है, कुटी हुई का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 3 अदद अंडे, आप लोग इस रेसिपी को अपने हिसाब से 6 या 12 या 24 के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 36 ली हुई है क्योंकि मेरा ऑर्डर था बहुत बड़ा, सो आई वॉज मेकिंग दिस लाइक दिस। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 पूरा कप जो होता है बेकिंग वाला वो मैदे का और 1 पूरा का पूरा पैकेट, आप लोग देख सकते थे अभी मैंने बोर्ड के ऊपर एक पूरा बंद पैकेट रखा था कॉर्नफ्लावर का और ये पूरा का पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से इतना मिक्स करेंगे कि सब इंग्रेडिएंट्स यकजान हो जाएं एंड इट फॉर्म्स लाइक अ डो। इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना सारा मीट का पोर्शन ऐड हुआ है और अनियंस मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ऐड किए थे, हरी मिर्च 8 से 10 बिकॉज उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और 2 स्प्रिंग अनियंस बिकॉज इट एड्स सॉफ्टनेस टू योर डो टू द ड्रमस्टिक्स, द टेक्सचर गेट्स अमेजिंग। अब ये जो इसका है ये एक आप समझ सकते हैं एक टेस्ट बैच है, जितनी क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं अगर उस हिसाब से आप डालते हैं तो मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर, कोई एक्स्ट्रा एग या वाटर ऐड नहीं किया। द मिक्सचर एंड द टेक्सचर ऑफ द ड्रमस्टिक बैटर वाज अमेजिंग, इट वाज सो स्टेबल, बिल्कुल भी मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना तो वो बहुत रनी और फ्लोई था और ना इतना हार्ड कि जब आप ड्रमस्टिक्स को फ्राई करें या जब खाएं तो वो बहुत आपको पत्थर की तरह लगे। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने 1 पानी का प्याला पास रखा हुआ है जिसमें मैं थोड़े से हार्ड डिप करके उसको वेट करती हूँ और ये बहुत ही स्मूथली जो है इसकी फॉर्म हो गई है शेप। डो का मैंने जो ऊपर रखा था बल्ब वो भी कितना स्टेबल रहा था, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हुआ और ना उसने अपनी शेप ख़राब की। ऑयल गरम इतना होना चाहिए कि जैसे मैंने उसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा वो डाला हुआ पकौड़ा वो फ्लोट करके लाइट लाइट से उस पर बबल्स बने और वो फ्लोट करके ऊपर आ गया, इट मीन्स द ऑयल वॉज परफेक्टली डन। ये ऑलमोस्ट 180 से 200 के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तो आप लोग कोशिश करें कि इतना ही टेम्परेचर मेंटेन करें। 180 इज़ द बेस्ट टेम्परेचर टू फ्राई योर ड्रमस्टिक्स परफेक्टली, ना तो ये अंदर से कच्ची रहेंगी ना इसमें कोई ब्लड आएगा और ये बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड गुई फ्रॉम इनसाइड फ्राई होंगी। सो बेटर टू बाय अ थर्मोमीटर, या फिर अगर आप लोग को एक और अच्छा आइडिया है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइंग बैच में आपको करके दिखाऊंगी कि इसमें अगर आप वुडन स्पून रखते हैं तो 15 सेकंड्स के इंटरवल से उसमें स्लो बबल्स बनने शुरू हों तो इट मींस योर ऑयल इज़ परफेक्टली रेडी। तो अब मैंने अब ये देखें कितनी प्यारी स्लो हीट पे, इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू गेट देम डन बिकॉज ये अच्छी खासी हैवी ड्रम स्टिक्स थी तो इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। और एक और निशानी इसकी जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि जब मैंने इनको ड्रॉप किया दोज वर ऑन द बेस बट जब ये रेडी हो गई तो आप लोग देखें ये हालांकि इतनी जॉइंट हैं बट स्टिल दे स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, जिसका मतलब है कि ये बहुत ही अंदर तक ज़बरदस्त किस्म की पक चुकी हैं और इनमें अंदर बिल्कुल भी रॉनेस नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट गॉट डन एंड आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रेसिपी को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एज आई ऑलवेज डू।
सो आवर ड्रमस्टिक्स वर रेडी और इनको मैंने सर्व किया एक प्लेट पे विद फ्राइज. आप लोग कुछ भी इसके साथ कॉन्डिमेंट बना सकते हैं, कुछ भी एज अ साइड सर्व कर सकते हैं. और इसके साथ मैंने रखी थी वही वाली थाई सॉस जो कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताई है, लिंक मैं आपको दे दूंगी. उसके साथ इसने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किया. और ये एक और आइडिया आप लोगों के लिए इफ्तार प्लेटर के लिए, इन विच आई मेड चिकन सैंडविच सिंपल वाले और साथ में थोड़ा सा फ्रेश सैलेड था और फ्राइज थे. सो आई होप यू गाइस लाइक द रेसिपी. और मेरी बहुत सारी बहनें जो भी अपना काम करना चाहती हैं या वो कर रही हैं, इट विल बी अ हिट फ्रॉम देयर किचन. और इतने बैटर से ऑलमोस्ट आपकी 30 ड्रमस्टिक्स जो हैं वो यील्ड होती हैं, एग्जैक्टली 30. अब इट डिपेंड्स के हो सकता है कि वो जो विंग्स हैं वो आपने छोटे साइज़ के लिए हों तो उस पर ज़्यादा मीट ना उतरे और वो आपकी 24 में बने. बट ये कि मैंने जितने मटीरियल लिया इसमें पूरी की पूरी 30 ड्रमस्टिक्स टर्न आउट हुई थी. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू लेट मी नो इफ़ यू मेक द ड्रमस्टिक्स हाउ दे टर्न आउट इन योर किचन. टेक केयर फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज़.